हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक चौधरी, आ चुका हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेखक परिचय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का 9th, 10th, 11th, 12th और उधर किसी भी कक्षा के लिए जो है चल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। आपको किसी भी प्रकार का डाउट जो है आखिर तक नहीं होने वाला है लेखक परिचय में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो है पहले जीवन परिचय जान लेते हैं। मैं जीवन परिचय आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ उनकी कुछ मेन पॉइंट बताऊंगा। तो इन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था, वो होता 1906 ईस्वी में सहारनपुर के देवबंद ग्राम में। पारिवारिक स्थिति उनकी थोड़ी ख़राब थी, गरीब थे, इसलिए उन्होंने जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। तो इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत की जो है शिक्षा का अध्ययन किया। बाद में वो जो है देशभक्ति के कार्य में लग गए और आखिर तक जो है उन्होंने अपना सारा जीवन देशभक्ति के कार्यों में ही लगाया। उन्होंने एक पत्रिका में जो है अपना योगदान दिया और वहाँ पर जो है उन्होंने रचनाएं करना शुरू की, ठीक है। तो यह था उनका जीवन परिचय, जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होंगी। अब देखते हैं उनकी दो रचनाएं। तो उनकी दो रचनाएं हैं, पहली है आकाश के तारे और दूसरी है धरती के फूल। यह आसान है और हमेशा याद रहती है, इसलिए जो है मैंने ये दो रचनाएँ ली है। आप कोई सी भी जो है ले सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो मिश्री जी की भाषा सहज तथा स्वाभाविक मिश्रित रूप को ग्रहण किया है, ठीक है। तो मिश्र जी की जो भाषा है वह है सहज और स्वाभाविक है, मतलब सहज एवं स्वाभाविक के मिश्रित रूप को इन्होंने अपनी भाषा में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा में अंग्रेजी उर्दू के बोलचाल के शब्द भी आ गए हैं, ठीक है। तो उनकी जो भाषा में जो है कहीं कहीं अंग्रेजी और उर्दू के बोलचाल के शब्द भी आ गए हैं। इनकी भाषा में मुहावरों तथा उक्तियों का प्रयोग सहजता से हुआ है। इनकी जो भाषा है उसमें मुहावरों और उक्तियों का प्रयोग भी सहजता से हुआ है। मिश्र जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। मिश्र जी की अगर हम भाषा समझे तो इनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है। मैंने आपको जीवन परिचय में भी बताया, उन्होंने जो है घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत की अध्ययन किया था, तो उनकी जो भाषा होगी वो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो भाषा में आपको कुछ पॉइंट याद रखने, वो पॉइंट है उनकी भाषा सहज एवं स्वाभाविक है। दूसरा पॉइंट है उन्होंने अंग्रेजी उर्दू के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी अपनी भाषा में किया है। उनकी भाषा में मुहावरों उक्तियों का प्रयोग भी हुआ है और मिश्र जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी शैली के बारे में। शैली, ठीक है। तो मिश्र जी की शैली वह है, पहली मैंने इसमें दो या तीन शैली लिखी है जो आपको समझने में आसानी होगी। तो पहली उनकी भावात्मक शैली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस भावात्मक शैली में इतना लिखना है कि जहाँ पर मिश्र जी रचना करते करते भावों में खो जाते हैं वहाँ यह शैली दिखाई देती है, ठीक है। भावात्मक शैली और अखरी लिखी है मैंने विचारात्मक शैली। इनके निबंधों में यह शैली दिखाई देती है, गंभीर विषयों को भी यह सरलता से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। शैली में आपको लिखना है भावात्मक शैली फर्स्ट, जहाँ मिश्र जी भावों में खो जाते हैं वहाँ यह शैली दिखाई देती है। विचारात्मक शैली, इनके निबंधों में यह शैली दिखाई देती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है वर्णात्मक शैली, ठीक है। मिश्र जी ने शैली का प्रयोग किया है, निबंध, रिपोता, संस्मरण आदि में शैली में लिखे हैं, ठीक है। मैंने तीन ही शैली आपको बताइए। सबसे पहले भावात्मक शैली, जहाँ और दूसरी है जहाँ मिश्र जी भाव में खो जाती है वह भावात्मक शैली होती है। दूसरी है विचारात्मक शैली, मिश्र जी के निबंधों में विचारात्मक शैली दिखाई देती है। और तीसरी जो है वो है वर्णात्मक शैली। मिश्र जी ने वर्णात्मक शैली निबंध, रिपोता, संस्मरण आदि में आदि जो है इन्होंने वर्णात्मक शैली में लिखा है। अब बात करते हैं इनके साहित्य में स्थान की। तो प्रभाकर जी ने हिंदी गद्य को निबंध, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में लिखा है, ठीक है। साहित्य में स्थान में मैंने आपको वर्णात्मक शैली में बताया था, निबंध, रिपोता, संस्मरण आदि में शैली दिखाई देती है। साहित्य विस्तार में आपको लिखना है कि प्रभाकर जी ने हिंदी गद्य को निबंध में लिखा था, रेखावृत्त में लिखा था, यात्रा वृत्तांत आदियों में इन्होंने लिखा था। तो हिंदी गद्यकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है। निश्चय ही मिश्र जी हिंदी निबंध साहित्य के स्तंभ है। हिंदी साहित्य इनके महान कृतित्व के लिए सदैव आभारी रहेगा। तो साहित्य मिस्तान जो है आपको याद कर लेना है। मैं आपको साहित्य मिस्तान के कुछ मेन पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यह लिखना है कि प्रभाकर जी ने जो है किन किन विधाओं में जो है हिंदी गद्य को लिखा। अब उन्होंने विधाओं में लिखा तो हिंदी गद्यकार के रूप में इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तो विशिष्ट स्थान है तो फिर मिश्र जी हिंदी गद्य साहित्य का स्तंभ हो गए।
तो आपको लिखना है निश्चय ही मिश्र जी हिंदी निबंध साहित्य के स्तंभ है। तो निश्चय ही मिश्र जी हिंदी निबंध साहित्य के स्तंभ है, हिंदी साहित्य इनके महान कृतित्व के लिए सदा आभारी रहेगा। तो आपको जो है इतना ही लिखना है, अगले इसमें मैं आपको अगले पॉइंट्स जो है बता दूंगा। तो आप जो है जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ।